सो भात पर बनाई ये देखो हाथ से बनाई है सो वो पूरा कितना सारा लोगों के सामने दिखा रहे आप लोग कॉस्ट्यूम का सबसे बड़ा बोल बहुत सुंदर है और आप लोग कौन सा ट्राइब बोले थे संगम 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 ट्राइबल लड़कियां भी काफी खूबसूरत थी वो देखने को भी मिल जाएगा टेंशन नहीं लेने का सो हाय गाइस माय नेम इज जॉर्ज टेरन एंड यू आर वाचिंग जॉर्ज टेरन व्लॉग्स सो टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं कहाँ जाने वाला हूँ सबसे पहले मेरा बैग देख लो यार यहाँ पे कपड़ा है और यहाँ पे स्लीपिंग किंग बैग से लेके टेंट से लेके बहुत कुछ लेके जा रहे हैं क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं फेस्टिवलों का फेस्टिवल जिसे कहा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल पे जाने वाले हैं दिमापुर पे उतरेंगे और दिमापुर उतरने के बाद फिर हम लोग कोहिमा का सफर करने वाले हैं तो अब आप लोग वीडियो में बने रहो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और अब इस वीडियो का लाइक का एम रखते हैं 5000 सिर्फ 5000 एम रखते हैं आप लोग कर दोगे मुझे पता है और अभी टाइम हो चुका है 7:55 तो मेरा ट्रेन है 8:20 को शायद मैं 7:00 ट्रेन पे जाने वाला हूँ टिकट कल रात को ही करवा लिया था सो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो जैसे कि नागालैंड का जो एडिशन वहाँ पे टोटल साइज 16 ट्राइब होता है और 16 ट्राइब मिलके वो फेस्टिवल को मनाया जाता है और वो और उस फेस्टिवल के बारे में आप लोगों को बता दूं वो नॉर्थ का सबसे नंबर वन फेस्टिवल है और म्यूजिक कॉन्सर्ट तो सबसे बड़ा होता है वहाँ पे नोडिस का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है वहाँ पे तो आप लोग मेरे सफर पे बने रहो क्योंकि मैं अकेला अभी यहाँ से जाने वाला हूँ और रास्ते पे बहुत सारे दोस्त लोग भी मिलेगा कौन कौन मिलेगा वो भी आप लोगों को बताएंगे तो चलो बने रहो मेरे साथ और लाइक जरूर कर देना यार सो अभी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और यार इन जो सक्सेस का चित्र अभी तारीफ करूँ कब है यार मैं जहाँ पे जाता हूँ ना अगर ये ना हो तो यार मैं जहाँ जहाँ ट्रेवल कर रहा हूँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना ही आप लोगों को दिखा पाता ना ही मैं भी ट्रेवल कर पाता सो सब क्रेडिट जाता है मेरा पप्पा को सो आप लोग देख सकते हो ट्रेन आ चुका है अब बस चलना है मेरा है D6 वेयर इज D6 D2 मेरा D6 है D6 कहाँ है देखो मेरा आगे चला गया अरे उधर आगे भागो भाग ही नहीं पा रहा हूँ वेट इतना ज्यादा हो गया देख का ट्रेन छूट गया तो छूट गया अब नहीं भागे अभी खाना खाया यार कैसे भागो दिस इज माई D6 सो फाइनली ट्रेन पे आ गए बहुत दौड़ना पड़ रहा था पहुंचने के लिए तो चलो ट्रेन पे दोस्त मिल गया पता है मेरा सीट यहीं पे है उसके सामने ही है तो थोड़ा था उन लोगों से बातें बातें करके जाएंगे तो कहाँ से आए हो आप लोग चलो भाई लोग भी जा रहा है कोहिमा अभी खर्चा होने वाला है देख लो पर इन लोगों को पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार वो लोग जब दुआ देता है ना अच्छा लगता है मुझे तो 10 रुपीज ही देना है दे देंगे गाना गा दीजिए ना सिर्फ हमारे लिए थोड़ा सा यार गोरी तेरी चुनरी बलाल बोला था जोर सिंगल की वो अभी गर्लफ्रेंड मिली गया अभी अभी से मत बोलना मेरा गर्लफ्रेंड है कैसा लग रहा है मुझसे मिलके बहुत और अच्छा लगे तो ट्रेन पे आने के बाद दोस्त लोग मिल गया तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी हम लोगों का पूरा ट्रेन के बीच पे फोटो शूट हो रहा है तो देख सकते हो कैमरामैन नया है देखते हैं कैसे क्लिक करते हैं खुद आगे बढ़ रहे हैं ना इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं यार हमें कुछ भी बनी बनाया नहीं मिलता मेहनत करके खुद बनाना पड़ता है ये देखो कितना क्यूट बच्चा है उसका मम्मी भी काफी ज्यादा क्यूट है तो गाइस अभी हम लोग डिपो पहुंच गए और मुझे कुछ सामान लेना था यार ट्रेन कितना टाइम तक रुकेगा वो तो नहीं पता जल्दी आ जा यार जब तक तो मेरा सामान नहीं आता बस ट्रेन थोड़ा टाइम रुक जाना यार मेरे लिए
मुझे वो सामान नहीं मिला ना तो मेरा वार लगने वाला है वहाँ पे। सो देखो अभी हम लोग डिफू पहुंच गए और फिर से कुछ सामान लेना था मुझे। शुक्रिया जैसे ठीक है जैसा ना बाय बाय। सो मतलब मैं टेंट लाना भूल गया था यार, जब मैंने चेक किया था ना अपने बैग पे तो मेरा टेंट नहीं था, तो सर को फोन किया सर आपका टेंट मुझे देने के लिए, तो टेंट मिल चुका है। टेंट अगर नहीं मिलता तो आप लोग सोच सकते हो कि वहाँ पे क्या हालत होने वाला है। वैसे हमारा हो जाए भी इतना ज्यादा ठंड है तो कोहिमा में कितना ठंड होने वाला है आप लोग सोच सकते हो। तो चलो भाई पर पकड़ लेना भाई, थैंक यू ब्रो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई शुक्रिया, मेहनत जी जान से कर रहे हैं, सक्सेस का इंतजार हम नहीं करते, बस मेहनत करते जा रहे हैं। और मुझे पता है आप लोग सपोर्ट करते रहोगे, मुझे बस सपोर्ट करते रहना यारो। सो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, सो बैग वैग ले लेते हैं। ना कोई पाई है ओ भाई, सो फाइनली शायद पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे जो दीदी लोग मिला है उन लोगों का बैग भी उठा के लेके जाना है। चलो चलो लेट्स गो। अरे भाई मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। चलो यार जा रहे हैं, नहीं पता। अरे यार बहुत बारी बारी है, मेरा खुद का बैग भी खराब आ रही है, इधर दीदी का भी बैग। पर क्या करें यार, बोलो सिर्फ लेडीज लोग चाहते हो, उन लोगों का हेल्प करना तो बनता है ना, लेडीज का हेल्प करने का है हमेशा, है कि नहीं भाई, है कि नहीं। हाँ बोलो। इधर देखो हाई करे थे और इधर एक बार हाई करे रहो, तो देख सकते हो दीदी लोगों का हेल्प करना तो बनता है ना। हमारा हो जाए से तो हेल्प तो करेंगे यार, हो जाए से कहीं से भी बिलोंग करता हो, लेडीज का हमेशा हेल्प करना चाहिए। पहुंचा नहीं है यार अभी इतना, देख सकते हो मेरा भी खुद का कितना सारा बैग है और मेरा टेंट मेरा भाई उठा रहा है, और लोग देख रहे हैं यार, हम वीडियो कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। देखो बस कोई बात नहीं यार, यूट्यूबर बनना है ना सबको, अगर फ्री में प्रमोशन करवा रहे थे अपने चैनल का, सब लोग यार जोश तेरा व्लॉग्स यूट्यूब पे देख लेना। सो पहुंचने वाले मतलब पहुंच गए, बस ट्रेन को रुकना बाकी है, कहाँ तक लेके जा यार देख। चलो 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 चलो। सो देख सकते हो फाइनली हम लोग पहुंच गए दीमापुर। सो भाई थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ मिलके। सो भाई के साथ मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्या कहते हैं वहाँ पे मिल भी सकते हैं हॉर्नबिल में। सो भाई लोगों के साथ मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा, ट्रेन पे थोड़ा एक सेकंड के लिए भी मैं बोर नहीं हुआ, भाई लोग बहुत अच्छा है, बहुत हम लोगों के साथ। हमारे बारे में सुनोगे तो बुरा ही सुनोगे, हमसे मिलोगे तो हंस कर जाओगे, याद रख लेना। देखो दिमागुर आते सुंदर सुंदर लड़कियां का बारिश हो रहा है, ठीक है। आप लोगों का सामान मौसम निकल चुका है, तो मुझे भी अपने दोस्त को फोन करना है, तो हमें भी निकलना है, तो बाद में मिलेंगे, हो जाए मैं कभी आने से वो तो किस लिए नहीं। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए दीमापुर। वैसे अभी फिलहाल मैं अकेला हूँ और जो दोस्त लोगों के साथ मिला था सब लोग जा चुके हैं अभी, और अभी यहाँ पे दीमापुर में मेरा एक दोस्त है मतलब लड़की दोस्त है, हम लोग शूट पे मिले हुए थे, तो अभी उसको फोन करता हूँ, वो मुझे पिक करने के लिए आने वाला था बट उसने मुझे पहले ही बताया था, जो मैं नहा रहा हूँ थोड़ा सा लेट हो सकता है, तुम थोड़ा सा इंतजार कर लेना। तो मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं यार इंतजार करने के, तो उसको पहले फोन करते वो कहाँ पे और एक बार देख लो, यह है दीमापुर स्टेशन में आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। चाचा का खबर ठीक है, एक बार ऐसे हाथ हिला दो, हाय बोल दो, एक बार ऐसे कर दीजिए, हाँ ठीक है बढ़िया।
ज्यादा इंतजार के बाद फाइनली हमारा दोस्त आ चुका है। सो कौन सा दोस्त है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। सो चलो, दोस्त भी आ चुका है, वहाँ पे इंतजार कर रहा है। उसने फोन किया कि वो पहुँच चुका है, तो चलो। और थोड़ा सा यहाँ पे रेस ले रहा था यार, काफी ज्यादा धूप है यहाँ पे भी और रात को काफी ज्यादा ठंडा भी होने वाला है। ये देखो हमारा दोस्त लोग आ गया है, गाड़ी लेके आए। कैसे हो यार? तो यार हम लोग तो जाने वाले इसी गाड़ी पे। तो यार अभी जाने वाले कोहिमा की तरफ, जहाँ पे होंगिल फेस्टिवल हो रहा है। और कौन कौन दोस्त यहाँ पे है सबसे बातें करके भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो चलो वेलकम, थैंक यू फॉर एडमिटिंग मी। अभी तुम्हारा नागालैंड पे आ चुके हैं हम लोग। तो चलो अभी डायरेक्ट निकलने वाले है ना। हाँ, चलो अभी हम लोग निकलते हैं। वाकम ने पहला फोन सिर्फ मुझे गिफ्ट कर दिया कि हम ब्लॉग करते हैं। सो भाई हाय, सो हाय बोल दो। सब हॉर्नबिल के लिए, सब हॉर्नबिल के लिए आए हैं और हम भी आए हैं यहाँ पे। देखता हूँ क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है। और चलो दिमापुर का थोड़ा नजारा भी आप लोगों को दिखा देते हैं। कुंभी हमें दीमापुर का पान खिला रहे हैं। सो पान खा के हम लोग का जो जर्नी स्टार्ट होने वाला है अभी। देखिए नहीं भाई, और क्या लगता है कैसा होने वाला है? बढ़िया। आप लोग तो बहुत बार गए होंगे शायद। सेवन टाइम और फर्स्ट टाइम है तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है। और आप लोग का सेकेंड टाइम? ये तो हमेशा जाता ही रहता है। तो चलिए पान खा के शुरू करते। सो यहाँ पे आप लोग बैनर देख सकते हो, यहाँ पे म्यूजिक का फेस्टिवल होने वाला है, जहाँ पे इंग्लिश मेकर और बहुत सारा सिंगर आने वाला है। डेट 7 को होने वाला है ना, दिसंबर का, इसी 7 to 9। हम लोग पहुंच गए पाटकाय। पाटकाय क्रिश्चियन कॉलेज साइड, लेफ्ट साइड पे। यार ये वाला पहाड़ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या बोला भैया? हाँ राइट साइड। सो कोहिमा के लिए आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा, और मणिपुर के लिए भी तो शायद यही राइट टर्न ही होगा ना। हाँ अभी थोड़ा यहाँ पे आने के बाद लग रहा है कि हाँ कोहिमा जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे बहुत ठंड होने वाला है ना, बहुत ज्यादा। तो अब अगर आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आ रहे हो तो ठंड का तो सारा सामान लेके आना यार, नहीं तो वार लग जाएगा, कसम से बोलता हूँ। सो और ज्यादा टाइम आप लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट जगह में जाके आप लोगों को दिखाएंगे। सो नहीं पता कहाँ पे रुके, बस कुछ चिप्स विप्स खाएंगे बोला हमारा दोस्त लोग। सकम कोई तकलीफ नहीं? अरे इधर तो यार ये कार व्हीलर की है, कोई दूसरा कोरियन वोरियन नहीं है, बाहर से नहीं आया ये। सो यार हम लोग यहाँ पे रुके, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ बस रुके आराम करने के लिए। और यहाँ पे एक चीज देखा है जो आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे को ये काटेगा तो नहीं ना, ये देखो मंकी। हेलो हेलो जी, सुनो जी, ये देखो काटता वाटता तो नहीं है ना, बोलो जोर का भैया। आकम का बॉयफ्रेंड, छोटा बॉयफ्रेंड, वेलकम टू कोहिमा। अरे यार ये क्या है यार, कसम से ये पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा नजारा, बहुत जगह गया है बट यहाँ पे कुछ अलग लग रहा है यार।
लाइक एक बार देखो आप लोग, और आप लोग कमेंट में बताना तो किस जगह से ये जगह मैच कर रहा है। हेलो, दिस इज मी अकम, जॉर्ज का दोस्त। हम लोग अभी ट्रैफिक जाम पे है और इट मे टेक सम टाइम टू रीच देयर। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक। कितना टाइम लो, कितना टाइम लो, और आधा घंटा लेगा इस ट्रैफिक। आफ्टर ये तो ट्रैफिक के साइड ना, और आधा घंटा निशान लो नहीं कि हाँ आई गेस। लुक एट द व्यू, मम भाल ना, इट्स वेरी गुड एंड इट्स वेरी कोल्ड। इतना ठंडा है यहाँ पे, क्या बोलेगा ना जॉर्ज। हाँ, ओवर ठंड है यहाँ पे आने के बाद ना। हाँ, मुझे लग रहा है मैं फॉरेन कंट्री में आ चुका हूँ। हाँ, बहुत जगह में गया हूँ, कुछ कुछ स्टेट में भी मैं घूम चुका हूँ, बट यहाँ आके यार कुछ अलग लेवल, अलग ही चीज देखा मैंने। इतना ठंडा है। कोहिमा में एंट्री करते ही ठंड भी थोड़ा बढ़ चुका है और एक्साइटमेंट भी काफी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है। और कोहिमा टाउन तो यार क्या बोलो, एकदम भैया बोल रहा है ब्राजील के साथ मैच करता है। बोले यहाँ का जो मतलब यहाँ का जो नजारा है, यहाँ का घर का स्टाइल है, जो भी हो देख सकते हो यार। देखो अगर अगर शॉपिंग करने आना हो तो यहाँ पे आ सकते हो आप लोग। यहाँ पे कम दाम में बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा आप लोगों को मिल जाएगा, और विंटर के शॉपिंग के लिए तो बहुत बेस्ट है कि नहीं। विंटर के लिए तो काफी अच्छा है। देखो बहुत सारे, तो अभी हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब है। कहाँ पे रुके हैं, कहाँ पे, ये जगह कौन सा जगह है क्या नहीं पता नहीं पता, बस रुके यही है ना। चलो यहाँ पे हमारा अखम ने लेके आए, किसका घर है वो तो नहीं पता यार। अखम जी आंटी का घर है ना। तो चलो थोड़ा देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे ना। और यहाँ का लोकल घर भी आप लोगों को दिखा देंगे इसी वीडियो में। हाँ, सो देख सकते हो यहाँ का लोकल घर। ये मेरा बाप का बहन है। सो एक जस्ट वो क्या हो रहा है, किचन वो पानी गर्म कर रहा है ना। हाँ, ज्यादातर गर्म पानी पिया करते हैं ना यहाँ पे। चलो यहाँ पे बैठ के, वैसे यहाँ पे तो हम लोग भी बैठते हैं, हमारे घर पे भी है सर, मम्मी बनाता है। नहीं यहाँ पे मस है भाई अभी यहाँ पे, क्योंकि देखो जब हम लोगों ने कोई में एंट्री किया ना, कोई में एंट्री करते ही थोड़ा बहुत ठंड लगने लगा, और अभी तो थोड़ा है, पर रात को तो क्या होने वाला है अभी से सोच के दर्द हो रहा है। सो यहाँ पे आग जलाया हुआ है, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना भाई आग के सामने बैठ के। यही भी फेस्टिवल खत्म कर देते हैं क्या। तो थोड़ा टाइम हम लोग बैठेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। मचांग मतलब और चांग वाला घर। हाँ, देख सकते हो इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ का लोकल। अरे यार ये देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा है यार। देखो ऐसा फार्म हाउस होने से अच्छा होता हमारे उधर में, पता है। और यहाँ से आपको व्यू भी दिखेगा। देखो सुबह को एक बार खुद सोचो कि ये तो घर है ना, कोई होटल वोटल नहीं है। सोचो आप सुबह को उठोगे, सपोज सोचो आप इस बेड पे सो रहे हो, सुबह को उठो और आपको ये नजारा दिखेगा यहाँ से। वो यार दिल दिमाग माइंड सब फ्रेश हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ से पूरा कोहिमा टाउन दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हो। अखम एकदम बढ़िया। चलो हाय हाय। सो आखिर फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं फेस्टिवल के अंदर। ये है फेस्टिवल का मेन गेट, तो चलो फेस्टिवल के अंदर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल के अंदर, और उसके बाद अभी क्या क्या होगा भाई, किसी ने रोक दिया वो प्रियंका चोपड़ा को, किसी के सेटों के वजह से। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं फेस्टिवल में। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। वीडियो को देख के अच्छा लगा है तो लाइक, वीडियो को देख के अच्छा लगा है तो क्या क्या कर रहे हैं, वीडियो का एंड कर रहा हूँ, कुछ बोल दो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बोलना मत यार। और उसके बाद अखम का इंस्टाग्राम का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, और स्क्रीन पे भी आपको आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, तो अखम को जाके इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लेना आप लोग। तो वीडियो को यही पे एंड करते हैं, तो चलो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। हॉर्नबिल का बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है।